नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। SSC CHSL 2022 की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट को वेट रहा होगा कि 5 नवंबर को उनका CHSL का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी CHSL का फॉर्म आ जाएगा और वो फिल करके एग्जाम भी उनका जनवरी तक हो जाएगा। लेकिन SSC ने आज नोटिस निकाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5 नवंबर के बजाय अब आपका जो फॉर्म है CHSL 2022 का वो 6 दिसंबर को आएगा। इसमें दो वजह होती है, एक किस वैकेंसीज जब रिपोर्ट नहीं हुई होती तो भी इस वजह से भी पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे फॉर्म लेट आता है, क्योंकि तब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को, जो लोगों को लगता है कि एक महीने लेट हो गया, एक महीने की आपकी तैयारी को और मौका मिल गया, इसको पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर हम ले तो एक महीने की आपकी तैयारी को और टाइम मिल गया। और दूसरी चीज ये भी है कि अब आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ गए। जैसे कि CGL 2022 में आपने देखा होगा वैकेंसीज बढ़ी, काफी ज्यादा बढ़ गई, तो इस बार CHSL में भी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस फुल हैं। तो एक महीने को आप अपने प्रॉपर यूटिलाइज करें। अगर आप CGL दे रहे हैं तो CGL देके फ्री होके सेम सिलेबस है, CGL मेंस में लगे, उसके साथ साथ CHSL की भी तैयारी करते रहे, CGL मेंस में भी सेम चीज है। तो आप CGL अगर दे रहे हैं, CGL के लिए एलिजिबल है, तो CGL के लिए पूरी जी जान लगाएं और CHSL तो चुटकियों में निकाल देंगे। दूसरी चीज, अगर आप केवल CHSL के लिए एलिजिबल है, एक महीने में जो चीजें रिवाइज नहीं करती या जो चीजें अभी तक नहीं पढ़ी वो पढ़ के एग्जाम दे। तो इसको निगेटिव वे में नहीं लेना, दोनों चीजें पॉजिटिव है, एक आपका टाइम भी मिल गया, दूसरा वैकेंसीज भी बढ़ने के चांसेस होंगे, ठीक है। बाकी चैनल पे 1400 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और मैथमेटिक्स कंप्लीट यहां से कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।